को जो हर साथियों, लोकसभा चुनाव में राजस्थान के आदिवासी इलाके की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर मुकाबला काफी रोचक है। ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में गठबंधन हो गया है। कांग्रेस ने इस सीट पर चुनाव लड़ रहे बाप के राजकुमार रोत को समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कल राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। कल चुनाव प्रचार के अंतिम सभा का आयोजन चेखली में किया गया, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत आदिवासी पार्टी दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। दरअसल गठबंधन को लेकर कांग्रेस और बाप के बीच नामांकन दाखिल करने को लेकर अंतिम दिन तक खींचतान चलती रही। इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता अरविंद डामोर से नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया। नाम वापसी से एक दिन पहले ही कांग्रेस और बाप में गठबंधन हो गया। कांग्रेस नेतृत्व ने डामोर को नाम वापसी के निर्देश दिए, लेकिन डामोर गायब हो गए। इस सीट के चर्चित होने का दूसरा बड़ा सबसे कारण है गहलोत के विश्वसनीय और पार्टी के सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य इंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी जिला प्रमुख पत्नी सहित समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। करीब दो दशक तक आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे मालवीय ने अचानक भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को संभालने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दबा दे बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन